नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदि वीरा पॉइंट पर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बुक रिव्यू करेंगे आज हम NCERT सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल जिसके लेखक हैं, कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये बुक है। तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसकी आप साइज देख सकते हैं, इतनी मोटी बुक आती है, ब्लैक कवर में है, इतनी इसकी साइज रहती है। और इनके जो एडिशंस हैं यहाँ पर, इनके देखिए 1-2 ऐसा करके यहाँ की जो 15 सीरीज है वो इनकी जो है आती है। बहुत ही बढ़िया बुक है, देखेंगे इसमें क्या क्या है इंडेक्सेस में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इनके इतने सारे पब्लिकेशंस जो हैं, ये इनके लेखक हैं महेश कुमार बर्णवाल जी, इनका सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ इनकी पूरी जो है ये भी आती है, आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं की सीरीज में, 15 सीरीज का। तो देखते हैं आज इसके लिए, यहाँ पर पूरा ही वलीनियर है। इसकी एक और बुक आती है यहाँ पर पीछे है जो वस्तुनिष्ठ रहती है, यदि आप ऑब्जेक्टिव लेना चाहें तो ये 8 नंबर सीरीज की जो बुक है इसमें वस्तुनिष्ठ मिलेंगे। ये पूरा है आपका वलीनियर है, तो ये आपका वलीनियर रहेगा इसमें। इसकी पहले हम बात कर लें प्राइस की, तो प्राइस आपको रहेगी 425 रुपये, यहाँ दे सकते हैं। इसको आपको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और या चाहें आप तो अपनी ऑफलाइन स्टोर से। ऑनलाइन की इतने सारे इसमें ऑप्शंस और मौजूद हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन से यहाँ पर सारे आप किसी भी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब इसके इंडेक्सेस की कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जो है आपके काफ़ी सारे चैप्टर कवर करे गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ पर भारत की संवैधानिक विकास प्रावधान, स्रोत, संविधान के भाग, अनुसूचियां, विशेषता, उद्देशिका, सारा कुछ यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कुल इसके पेजेस जो दिए हुए हैं यहाँ पर आपको 61 पेज मिलने वाले हैं, किसमें, भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में। वहीं बात करें भूगोल, भूगोल को इन्होंने 2 चैप्टर में बांटा हुआ है, भारत का भूगोल और यहाँ पर नीचे है विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल में जो है आपके लिए इतने ही सारे चैप्टर मिलेंगे, मृदा, जलवायु और बायतंत्र सारे चैप्टर इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है आपके लिए मिलेगा पर्यावरण, पर्यावरण में मिलेगा आपको सी पार्ट में। ए पार्ट में था आपका पॉलिटी, बी पार्ट में था आपका भूगोल, सी पार्ट में आपका पर्यावरण। पर्यावरण में आपको इसमें 13 पेज देखने मिलेंगे। बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान में आपके लिए भौतिक विज्ञान में जो है आपको 20 पेज मिलेंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान में ये सारे चैप्टर यहाँ पर आपको कवर करे गए हैं। यहाँ पर आपकी फिजिक्स के सारे चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मापन, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के सामान्य गुण, तरंग गति, ध्वनि, ऊष्मा, ऊष्मागतिकी, प्रकाश, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी। फिर यहाँ पर रसायन विज्ञान के टॉपिक हैं और यहाँ पर आपको जीव विज्ञान के ये सारे टॉपिक मिलेंगे, जीव विज्ञान की शाखाएं, उत्पत्ति, जैव विकास, कोशिका पोषण। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर आपको और दिख रहा होगा पादपों में आकार की, ये सारे वायु का टॉपिक चल रहे हैं, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसा मिलेगा। उसके बाद आपको विज्ञान में प्रौद्योगिकी, इसमें काफ़ी कम पेजेस है लेकिन जो है सार गर्भित है पूरा, क्योंकि NCERT सार संग्रह है, तो आपको डिटेल ना बता के जो फैक्ट है टू द पॉइंट बात करी गई है, जो एग्जाम से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इतने में जैव प्रौद्योगिकी बात करी गई है। अब बात करते हैं एफ सेक्शन में जो है इतिहास है आपको मिलेगा। इतिहास में क्या क्या देखने मिलेगा आपके लिए, तो पहले मिलेगा प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास मिलेगा। तो प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक स्रोत है, पाषाण, हड़प्पा, वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव और भागवत धर्म, इतने भी धर्म हैं आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर 6वीं शताब्दी में राजनीतिक दशा, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। इसके बाद आपके लिए मध्यकालीन इतिहास आएगा, साहित्यकार प्राचीन में है, यहाँ पर आपको 25 पेज जो मिलेंगे इसके। इसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में आपके लिए जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट में काफी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और उन सारे से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने ये सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको लगभग 40-50 पेजेस मध्यकालीन भारत के मिलने वाले हैं। फिर आता है आधुनिक भारत, जो कि हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, यूरोपीय कंपनी जहाँ से आती है तो वहां से अपना आधुनिक भारत लग जाता है। मराठा साम्राज्य खत्म होते होते जहाँ से यूरोपीय कंपनी आती हैं तो वहां से अपना आधुनिक भारत चालू होता है, तो वहां से अपना लगेगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएंगी, पंजाब मैसूर जो क्षेत्र ही रहेंगे अपने, अंग्रेजों की राजनीति तथा ब्रिटिश व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ऐसा करके आपकी। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति,
ये सारे टॉपिक आपके आधुनिक भारत के इतिहास में हैं। गांधी युग से लेकर किसान आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, मुस्लिम लीग, मांडले मिंट सुधार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये सारे टॉपिक आपके लिए इसमें मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, ये सारे आपको विविध मिलेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक है आपने देख लिए होंगे, ये आपके लिए मिलेंगे आधुनिक भारत में। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, साथ में ऐसी और भी बुक्स का रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और पीडीएफ्स पाने के लिए, हमारे नोट्स की पाने के लिए ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको जो फ्री नोट्स अवेलेबल है वहां पर हम आपको कराते रहते हैं टाइम टू टाइम पर, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में इन्होंने टू द पॉइंट बात करी है, आपको लगभग 30 पेज यहां देखने मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था दी हुई है, आर्थिक समृद्धि, विकास, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय नियोजन, मुद्रा प्रणाली, मुद्रास्फीति, कर, बजट, कृषि, उद्योग, गरीबी, बेरोजगारी और जितने भी संगठन है विविध, ये सारे आपको देखने मिलेंगे इसमें। फिर इसके बाद आते हैं कंप्यूटर का, मात्र 10 पेज है, कंप्यूटर थोड़ा इन्होंने कम दे रखा है लेकिन ठीक है। उसके बाद करते हैं खेलकूद में आपको 14 पेज देखने मिलेंगे, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और जितने भी महत्वपूर्ण खेल हैं वो सारे आपको इसमें देखने मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार जितने हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, हालांकि 10 पेजेस हैं तो जिनमें सारे कवर कर लिए गए। उसके बाद आपको देखने मिलेंगे विविध पेजेस, तो इतने सारे जो है के तक जो है इसमें आपको देखने मिलेंगे सारे चैप्टर। अब हम बात करते हैं इसमें जो है पेजेस की, तो यहां से भारतीय राज्य व्यवस्था चालू होती है। तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं, यहां पर जूम करके दिखा रहे हैं, इस तरह से कुछ इसमें जो है इंडियन पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था चालू करी गई है। इस तरह से भारत का संविधान का विकास चैप्टर जो है दिया गया है, जहां से आपको शुरू में देखने मिला था, यहां पर ये भारत का संविधानिक विकास, ये देखिए, तो ये चैप्टर जो है आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे यहां पर है भारत के संविधानिक प्रावधान व उनके स्रोत, तो इसका जो चैप्टर है एक पेज में ये खत्म हुआ है इनका, ये दो पेज में। उसके बाद भारत के प्रावधानिक संविधानिक स्रोत जहां जहां से जो लिए गए हैं वो सारे आपको इसमें बताए गए हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो चीज ली गई है, ब्रिटेन से जो चीज ली गई है, अफ्रीका से जो चीज ली गई, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, ये सारी चीजें दी गई हैं। ये सारी समितियों के अध्यक्ष जो है आपका यहां पर दिया था पहले, तो ये सारे इसमें दिए गए हैं, ये सारे आप देख सकते हैं बुक में। ये सारे जो चैप्टर है आपको अनुसूची विषय टॉपिक बाय टॉपिक इन्होंने कवर करके रखा हुआ है इसमें। यहां पर जितने भी नागरिकता है, कितने प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता, तो आप 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का लेटेस्ट डेटा यहां पर दिया हुआ है, कितने जिले हैं, कितने सारी चीजें हैं, यहां पर आप सारे देख सकते हैं, अलग अलग जानकारी दी हुई है। अब हम बात करते हैं भूगोल वाले सेक्शन की। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं भूगोल वाले सेक्शन में, भूगोल कैसा दिया हुआ है इनके में। तो भूगोल देखिए, भारत का भूगोल जो है सामान्य परिचय है, यहां पर मैप के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। यहां देख सकते हैं आप इसमें कि मैप के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया हुआ है, यहां पर मैप दिए हुए हैं। मैप हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी है मैप अच्छे हैं यहां पर दिया हुआ है मैप के माध्यम से। यहां पर भारत का एक दृष्टि में वर्णन दिया हुआ है, ये कुछ फिजिकल भौतिक विभाजन है, जितने भी मैदान वगैरह हैं वो सारे आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो यहां देख सकते हैं आप इसमें जितने भी सारे मैदान हैं ये सारे आपको इन्होंने इसके द्वारा प्रदर्शित किया है। ये जलवायु है, पेजेस की क्वालिटी भी बढ़िया है इसमें, आप देखेंगे तो पेजेस जो दिख रहा होगा आपको थिकनेस इसकी, और कलर्ड में है, दो कलर में है, ब्लैक में है और इसमें साथ में साथ आपका इसमें देखने मिलेगा। ये सारा कुछ चैप्टर आपके दिए हुए हैं, कृषि का दिया हुआ है यहां पर, जनसंख्या, नगरीकरण और ये विविध के टॉपिक। विविध के बाद इन्होंने विश्व का भूगोल को डिस्कस करके रखा हुआ है, विश्व के भूगोल में जो भी सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इन्होंने डिस्कस करके रखे हुए हैं। पृथ्वी गतियां एवं देशांतर, विश्वत रेखाएं से जितने क्वेश्चन जो भी यहां से गुजरती है, कितने कितने देशों से कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, मकर रेखा जितने देशों से गुजरती है, वो सारे इसमें दिए हुए हैं यहां पर। तो ये भूगोल का सारे चैप्टर यहां पर दिए हुए हैं। जल संधियां आप देख सकते हैं यहां पर,
नदियां हैं, महासागर हैं, ये हैं, ये सारे आप चैप्टर इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ओजोन परत, यहाँ पर पर्यावरण इनका चालू हो चुका है। पर्यावरण इवन पारिस्थितिकी के बारे में कम पेजेस हैं, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक हैं। जो भी आपको जानने हैं राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करा है, तो स्टूडेंट को क्या है पढ़ने में ईजिली होता है, तो ठीक है, टू द पॉइंट इसमें उन्होंने बात करी है। और इसके अलावा कोई का क्वेश्चन है तो बुक्स रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, तो हम उसका प्रयास देने का प्रयास करेंगे। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये रसायन विज्ञान है, यहाँ से आपकी साइंस है, धातु अधातु यहाँ आप देखते चलें, साथ साथ आपको स्पीड में हम पेज करते चल रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चैप्टर आपको कैसे कैसे मिलने वाले हैं, क्या क्या इसमें कंटेंट है। तो आपको यदि बुक लेना चाह रहे हैं तो आपको उसमें सहूलियत रहेगी। बाकी स्टूडेंट को किसी स्टूडेंट को क्या है वलीनियर पसंद आता है, किसी को MCQs पसंद आते हैं कि भाई उसमें चार ऑप्शन हो फिर पढ़े नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ आपको केवल वलीनियर मिलेगा। जैसे हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो पोटेशियम। अब इसका कुछ आपके लिए डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, ओनली पूरे बुक में यही है कि वलीनियर है, पूरी बुक वलीनियर है। यदि आपको वलीनियर पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो फिर आपकी बुक सूटेबल आपके लिए नहीं रहेगी, फिर आप इसकी दूसरा एडिशन जो आता है इनका वस्तुनिष्ठ वाला वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्चनों ने थोड़े में अधिक समाहित करके रखा है, तो ये आपके लिए सही रहेगी। यहाँ से भारतीय इतिहास चैप्टर चालू होता है, तो इतिहास के चैप्टर हैं सारे ये, यहाँ से आप देख सकते हैं। इतिहास, हड़प्पा सभ्यता हो गई, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। जैन धर्म को इन्होंने एक पेज में खत्म करके रखा हुआ है, बौद्ध धर्म में दो पेज दिए हुए हैं। हालांकि यहाँ से बौद्ध धर्म की संगतियाँ वगैरह, यहाँ से शैव वैष्णव धर्म दिया, भागवत धर्म दिया हुआ है, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल, ये सारे इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। ये सारे मुगल जो वंश वगैरह यहाँ दिए हैं, मुगल वंश, साहित्य कला, राष्ट्रीय अधिवेशन, जितने जी आधुनिक भारत आपका आ गया है यहाँ से, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, पंचवर्षीय योजना जितनी भी चालू गई हैं, ये आपकी अर्थव्यवस्था यहाँ से लग गई है। तो कुल मिलाकर बुक ठीक ठाक है, आपको यदि अच्छी लगे तो आप परचेज कर सकते हैं उसको, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। पुरस्कार सम्मान की बात करें तो यहाँ से दिखा दें आपके लिए पुरस्कार और सम्मान में, देखिए किस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर। ये पुरस्कार और सम्मान जो है तो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करेगी, भारत रत्न, विभूषण, जितने जितने लोगों को मिला है, तो कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। इसके बाद आप कौन सी बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये कुछ विविध के टॉपिक हैं, लास्ट में उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।